अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। पटना का कारगिल चौक है, शहीद कारगिल स्मृति पार्क है ये। यहाँ पे हमारे बिहार के 18 जो जवान शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में, उनकी याद में ये बनाया गया है। आपको मैं कारगिल युद्ध के बारे में बताना चाहूँ कि 1999 में 2 महीने तक ये कारगिल युद्ध चला था, जिसमें पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी थी और हमारे देश के 527 जवान शहीद हुए थे और अपने भारत की रक्षा में उन्होंने अपनी जान गंवाई। और उनकी याद में देश में कई जगह इस तरह से स्मारक बनाए गए हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, आज के दिन ही हमारा देश अंग्रेजी हुक्मरानों से आज़ाद हुआ था। और अभी हम खड़े बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के पास। हमारी बाईं ओर आप देख सकते हैं, यही वो गांधी मैदान है जिसके अंदर झंडोत्तोलन हो रहा है। और अभी हम खड़े हैं पटना के कारगिल चौक पर। ये पटना का कारगिल चौक है, शहीद कारगिल स्मृति पार्क है ये। यहाँ पे हमारे बिहार के 18 जो जवान शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में, उनकी याद में ये बनाया गया है। आपको मैं कारगिल युद्ध के बारे में बताना चाहूँ कि 1999 में 2 महीने तक ये कारगिल युद्ध चला था, जिसमें पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी थी और हमारे देश के 527 जवान शहीद हुए थे और अपने भारत की रक्षा में उन्होंने अपनी जान गंवाई। और उनकी याद में देश में कई जगह इस तरह से स्मारक बनाए गए हैं। और यहाँ बिहार के जो जवान शहीद हुए थे, कुल 18 जवान, उनकी याद में ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं बिहार के कई ज़िले के जो जवान हैं उनका नाम इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे। पटना से, पूर्वी चंपारण से, मुजफ्फरपुर से, औरंगाबाद से, भोजपुर से, नालंदा से, रांची से, जब विभाजन नहीं हुआ था उस वक्त रांची था बिहार, उनके भी एक जवान शहीद हुए थे। तो देखा जा सकता है जिस तरह से 18 बिहार के वीर सपूत जो शहीद हुए थे उनकी यादों में ये कारगिल चौक बनाया गया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। जब भी हमारे देश में घुसपैठ की कोशिश होती है और उस दौरान हमारे देश में जवान शहीद होते हैं, तो इसी कारगिल चौक पर जो हमारे देश की जनता है, हमारे देश के लोग हैं, वो आकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं एक प्रतीक के रूप में। और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन हम अपने इन वीर जवानों को याद ना करें तो गलत होगा। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।